right? So write down the case study, and after that I will ask the questions. So write down. लास्ट टॉपिक में से ले रही हूं मैं. जल्दी से ये पैराग्राफ उतारो, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू फ्रॉम दिस. दिस इज द पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और द केस स्टडी. दीज आर गिवन द टॉपिक्स, ठीक है, एमसीक्यू, असर्शन रीजन एंड द केस स्टडी. असर्शन रीजन फिर भी हम एक दो कर चुके हैं, वी आर ऑलरेडी डन इन द टेस्ट, ठीक है. सो लेट्स नोट डाउन दिस पैराग्राफ एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है. इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर्स इसमें नहीं है, तो हाउ यू विल राइट डाउन, दैट इज पॉसिबल व्हेन यू विल रीड द टॉपिक केयरफुल. इफ यू हैड रीड द टॉपिक, मतलब व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लास, व्हाट वी हैड रिटन इन द क्लास नोट्स, देन वी आर एबल टू मतलब राइट डाउन द आंसर्स, ठीक है. डन बच्चे, सबका हो गया डन, नोटेड. प्रतीक्षा, अर्चना, जतिन, नोटेड है, करें आगे. चलिए
राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन लिख लेना, एमसीक्यू मैं बोलूंगी, राइट आंसर यू विल नोट इट डाउन. ठीक है, यू विल नॉट डाउन मतलब नॉट राइट ऑल द एमसीक्यूज, यू विल जस्ट राइट डाउन द राइट ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टिश्यू एंड इट्स यूनिट्स. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टिश्यू एंड इट्स यूनिट्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द टिश्यू एंड इट्स यूनिट्स. ठीक है, ऑप्शन बोल रही हूं, आप मुझे आंसर दोगे, राइट आंसर यू विल गिव. ऑप्शंस हैं मस्कुलर टिश्यू, मियोफिब्रिल्स, कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रोब्लास्ट, नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म. चार ऑप्शंस ये मैंने बोला है. टाइप और दो क्वेश्चन है ना ऊपर, क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस पूछे गए ना बेटे. Identify what is the name of tissue and its unit. तो मैंने पहला बोला है मस्कुलर टिश्यू मियोफिब्रिल, ये एक ऑप्शन है. सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू है और फिब्रोब्लास्ट है यूनिट का नाम. तीसरी ऑप्शन है नर्वस टिश्यू एंड न्यूरोन. चौथी ऑप्शन है क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोसोम. क्योंकि what we are talking stimuli, that means we are talking about the nervous tissue और unit का नाम क्या है. और दूसरा न्यूरॉन को एक और क्या वर्ड बोलते हैं हम, नर्व सेल, वो भी लिखा आ सकता है. तो ऑप्शन हमारी कौन सी सही हुई इसमें, आंसर लिख लो, नर्वस टिश्यू एंड न्यूरॉन, यूनिट इज न्यूरॉन. ठीक है, क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम. चलिए सेकंड लिखिए, एक यहां पे करवा देती हूँ, फिर एक आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी, सो दैट यू कैन रिवाइज. ठीक है, कुछ मत करना, आई विल सेंड द क्वेश्चंस ऑफ असर्शन रीजन और द केस स्टडी. आप सिर्फ उसमें टिक करके रख लेना कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस. सो व्हेन वी विल कम टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जैसे कल हम मिलेंगे तो वी विल डिस्कस वन अदर थिंग. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियस कंटेनिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियस कंटेनिंग part of unit. What is the name of nucleus containing part of the unit? आपके mind में answer क्या आ रहा है? What is the name nucleus containing part of unit? ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला exon है. ऐसे बनाया था, एक तो यहां विजिबिलिटी नहीं होती यार. ठीक है, हमने ऐसे बनाया था. अब ये देखो यहां पे जो आपको पैराग्राफ में गिवन है, देखो वो लाइन पूरी यहां पे दी भी हुई है. न्यूक्लियस देखो लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है ना, एट वन एंड लाइन है ना, यहाँ पे कहीं पे आई है, एट वन एंड यहाँ पे प्रेजेंट एंड वन एंड किसी भी एक एंड पे, क्योंकि ये पूरा घूमता है, ये माइलिन शीथ हो गई. ठीक है, क्या किया था हमने, ये वाली बॉडी क्या है, कहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल बॉडी और द साइटोन. ये पूरी बॉडी क्या है, एक्सॉन. ठीक है, अब क्वेश्चन में मैंने पूछा आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिट, what is the name of the unit containing
व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट ऑफ यूनिट. ऑप्शन सुनिए, टर्मिनल एंडिंग और बटन्स, देन राइट एंड इन द रीजन ऑफ सिनेप्स, साइटोन ऑफ द सेल बॉडी. साइटोन और द सेल बॉडी, तो आंसर क्या है हमारा, साइटोन और द सेल बॉडी. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द साइटोन, दिस इज द एक्सॉन. लिख लिया बेटे, समझ आ रहा है कि हमने कैसे देखने होते हैं. अब साइटोन वर्ड यहाँ पे गिवन नहीं है, बच्चे मेरी बात को प्लीज ध्यान से देखो, यहाँ पे साइटोन वर्ड गिवन नहीं है. दे हैड गिवन यू द पैराग्राफ, यू आर एबल टू गिव द आंसर व्हेन यू नो द टॉपिक, व्हेन यू रेड द टॉपिक, देन यू आर एबल टू गिव द आंसर. अदरवाइज यहाँ पे साइटोन वर्ड इज नॉट गिवन, पता होना चाहिए. हाँ यही कह रही हूं मैं कि उसका पता होना चाहिए. तो दैट मींस द टॉपिक्स दैट वी हैड डिस्कस इन द क्लास, जो हमने प्रॉपर पढ़े हैं उनको करना है. क्योंकि अभी मैं व्हेन आई विल आस्क यू द असर्शन रीजन, वहां पे भी एक जगह पे उसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन है, रीजन उसका फंक्शन एक्सप्लेन है. तो ये हमें तभी पॉसिबल है व्हेन वी नो द आंसर्स, जब हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस पता है. चलिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द स्ट्रक्चर रिसीव स्टिमुलाई. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द स्ट्रक्चर रिसीव स्टिमुलाई, विच पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रिसीव स्टिमुलाई एंड विच पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर रिसीव स्टिमुलाई एंड विच पार्ट पासिस देम टू द बॉडी सेल. विच पार्ट रिसीव stimuli and which passes to the muscle. Muscles हो गए, cell, body cells हो गए, कुछ भी हो सकता है कि वो कौन से हैं, those which are taking stimuli ले रहे हैं, और वो कौन से हैं जो stimuli को muscles के पास भेज रहे हैं. तो which part of the structure contains stimuli and which passes to the muscles or the cell body. ठीक है, यहाँ पे देख के आपको क्या idea आता है, कौन लेते हैं muscle stimuli. नर्व सेल तो पूरी यूनिट है, नर्व एंडिंग कैसे लेती है. मैंने आपको एक्सॉन में आई टोल्ड एक्सॉन पासेस अवे, मैंने वहां पे लिखवाया था कि एक्सॉन क्या करता है, हु विल कैच डेंड्राइट्स, हु विल पास अवे फ्रॉम द, इससे कहां जा रहा है एक्सॉन. अब ऑप्शन सुनो, ऑप्शंस हैं साइटोन रिसीव्स द स्टिमुलाई एंड डेंड्राइट पास देम. डेंड्राइट्स और साइटोन का ही पार्ट है, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. एक्सॉन बटन रिसीव द स्टिमुलाई एंड पासेस देम टू द साइटोन, नो. देन डेंड्राइट्स रिसीव द स्टिमुलाई एंड एक्सॉन बटन्स पासेस टू द मसल. ठीक है, क्योंकि डेंड्राइट्स रिसीव द स्टिमुलाई यहां पे आई, इट विल पासेस थ्रू द एक्सॉन बटन्स, मतलब एंडिंग पॉइंट. एक्सॉन बटन सिनैप्टिक नर्व, हमने उस दिन भी मैंने बताया था कि यहाँ पे ये वाले आ गए डेंड्राइट, ये सिनैप्टिक, यहाँ पे फिर अगला डेंट वो शुरू हो जाता है न्यूरॉन, यहाँ पे अगले के डेंड्राइट्स आ जाते हैं. ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसके और इसके बीच में, जो यहाँ का मैसेज इसको ट्रांसफर कर देता है. ये डेंड्राइट फिंगर लाइक अगेन इट विल कैच द सिग्नल एंड पास इट द फर्दर. ठीक है, सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन लिखो, dendrites receive the stimuli and axon pass to the muscles. Fourth question, ये जिसने उस दिन मेरे को सुना होगा वो मुझे इसका आंसर देगा. What is the name of submicroscopic, write down question, what is the name of What is the name of submicroscopic fibrils which take part in the transmission of impulse? What is the name of submicroscopic fibril which take part in the transmission of impulse? मैंने वर्ड बोला था कुछ, याद है किसी को? नहीं याद. चलो ऑप्शन सुनो,
Options are gemmules, neuroplasm, nasal granule, neurofibrils. Nasal granule का क्या बताया था? Fourth one. मैंने आपको वहां पे बोला था ना कि इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है. One is the nasal granule that helps in the RNA, राइबोसोम वाला, ठीक है. और इसके अंदर ऐसे भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे पास करते हैं. तो नियोफिब्रिल्स आर देयर. सब माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स कौन से इसके अंदर हैं? नियोफिब्रिल्स. लिखो आंसर, लिखो नियोफिब्रिल्स. आंसर लिखो बेटे नियोफिब्रिल्स. क्लियर है टॉपिक? क्लियर? पक्का?